हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए वैलेंटाइन ग्लैम मेकअप लुक लेके आई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी यहाँ पे पॉपअप हो रही होगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंस्टा आईडी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ किया है, जॉय का मॉइस्चराइजर क्रीम है। आप चाहो तो कोई फेस सीरम भी यूज़ कर सकते हो, तो या आप कोई और भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर सकते हो। अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लेना अपने फेस पर, अपने नेक पर। मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। फिर मैंने जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो है प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर लिया है जो मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अगर आपके बजट में नहीं है प्राइमर तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है उसे भी अप्लाई कर सकते हो। गुड वाइब्स का भी आता है, कोई भी आता है, आप अप्लाई कर सकते हो उसे एज अ प्राइमर। सो यहाँ पे मैंने प्राइमर ही यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन, मैबेलिन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन लेने से पहले मैंने एक ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर पे मैंने फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर था उसे स्प्रे कर लिया। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वाटर भी स्प्रे कर सकते हो। बट मेकअप फिक्सर से ये फ़ायदा है कि अच्छी तरह से फाउंडेशन फिक्स हो जाता है अगर आप उसे ब्लेंड करोगे ब्लेंडर पे स्प्रे करने के बाद। तो सो अच्छी तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे सबसे पहले अच्छा लगता है पूरे फेस पर अप्लाई कर लो चारों तरफ, फिर ब्लेंड करो। सो हो चुका है अप्लाई। तो अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करने लेना है। या आप ब्रश की भी हेल्प से कर सकते हो या फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। पहले तो मेरे पास सब कुछ नहीं था तो मैं फिंगर के ही हेल्प से करती थी। फिंगर में हीट जनरेट होती है तो अच्छी तरह से और ब्लेंड हो जाता है। तो ये हो चुका है। थोड़ा सा मैं और फाउंडेशन लूँगी, थोड़ा सा अपने नेक पर भी लगा लूँगी। मैंने नेक पर अप्लाई नहीं किया था तो मैं नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि और इवन ना लगे मेरा फेस और नेक। तो अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया मैंने, आप देख सकते हो। फिर मैंने लिया है इनसाइड का कंसीलर। अभी मैंने ये जल्दी ही परचेस किया है, मेरा फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। अगर आपने नायका हॉल में नहीं दिखाया गया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी नायका हॉल का, आप देख लेना। तो मैंने दोनों आईज़ के नीचे डार्क सर्कल छुपाने के लिए अप्लाई कर लिया है। अच्छी तरह से मैंने उसी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। जैसा मैंने कहा कि आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप उसका भी यूज़ करके कर सकते हो ब्लेंड। तो अच्छी तरह से मैंने डार्क सर्कल छुपाने के लिए ऐसे कर लिया है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फाउंडेशन की भी यूज से कर सकते हो। ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसी मैंने कंसीलर को अपने नेक पर, अरे अपने नोज़ पर और नोज़ के कॉर्नर में और लिप्स के साइड में अप्लाई कर लिया है, ताकि अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं आपके पास तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर लें। तो ये हो चुका है मेरा कंसीलर यूज़। अब मैं यहाँ पे लिया है मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये बहुत ही सस्ता वाला होता है, 150-200 के अंदर ही मिल जाता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पर। मैंने यहाँ पे कोई लूज पाउडर या समथिंग का यूज़ नहीं किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है, पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर अपने आईब्रोज बना लूँगी। आईब्रोज बनाने के लिए लिया है मैंने ब्राउन शेड का, और यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आईब्रो पेंसिल आती है मार्केट में 20-30 रुपए के, आप उसे भी अप्लाई कर लो। लेकिन अप्लाई करने के बाद आप इसका ज़रूर यूज़ करें, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसका ज़रूर यूज़ करें और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आएगा। बिल्कुल ये नहीं पता चलता है कि हाँ आपने कोई आईब्रोज पे कोई कलर भी यूज़ किया है। सो ये हो चुका है, मैंने इसी तरह से ब्लेंड कर लिया अपने दोनों आईब्रोज पे, आप देख सकते हो। तो हो चुका है। फिर मैं यहाँ पर लिया है मैंने रिवॉल्यूशन का आई शेडो पैलेट से मैंने थोड़ा सा डार्क पिंकिश कलर पिक किया है। फिर मैंने यहाँ पर लिक्विड स्विस ब्यूटी का यहाँ पर है लिक्विड आई शेडो, मैंने उसे यूज़ किया है। ये भी मैंने नायका हॉल में दिखाया था, अगर आपने नहीं दिखाया गाइस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है, आप जरूर देख लेना। उसे अप्लाई कर लिया है मैंने फिंगर की हेल्प से किया है, और आपको जल्दी अप्लाई करने का, नहीं तो ये तुरंत ड्राई हो जाता है लिक्विड वाला आई शेडो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है वेगा का आईलेसेस कर्लर, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। फिर मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का मस्कारा, आज तक का मुझे सबसे अच्छा मस्कारा जो लगा है वो है ये। मैंने मैबेलिन का भी यूज़ किया है, लैक्मे का भी यूज़ किया है, ब्लू हेवन का भी यूज़ किया है, बट सबसे अच्छा मुझे आज तक का जो लगा है ये है शुगर का मस्कारा। तो ये हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक लिप एंड चिक कलर है, ये मैंने नायका हॉल में भी शेयर किया था, बहुत ही अच्छा है, आप इसे लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले एज अ ब्लशर यूज़ किया है उसे चिक्स पर, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई किया है, थोड़ा सा नोज़ पर भी अप्लाई किया है।
तो ये हो चुका है, मैंने अच्छी तरह से उसी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी उसे लिपस्टिक को, एज अ लिपस्टिक यूज़ करूँगी अपने लिप्स पर। तो ये हो चुका है मेरा मेकअप रेडी। अगर आप हाइलाइटर भी यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कोई भी हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस बहुत ज़्यादा साइन कर रहा था। तो हो चुका है मेकअप। आई होप गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया, पसंद आया तो गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो मिस विजका के नाम से मेरी आईडी है, आईडी मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो आप देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।